जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। मैं कमलेश, इंटीरियर फर्नीचर वर्क में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अभी अभी आप लोगों ने जो वीडियो क्लिप देखा उसके विषय में हम बात करेंगे। उसमें आपको दिखाएंगे कि वार्डरोब और ड्रेसिंग टेबल और स्टडी टेबल को एक रूम के अंदर किस तरह से बनाना है और डिज़ाइन क्या रखना है, अंदर का सेक्शन क्या रखना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्त, चलते हैं वीडियो में और आपको दिखाते हैं कि पूरा प्रोसेस क्या है, डिज़ाइन क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि हमने इस रूम में मतलब वार्डरोब बनाया है और ऊपर लॉक को पूरा वहां तक खींचते हुए वहां तक लेके गए हैं। वहां एक ड्रेसर के लिए एक आईना दिए हैं और वहां पे मतलब स्टडी के लिए एक मतलब बॉक्स दिए हैं, नीचे स्टडी के लिए दिए हैं। आप मैं आपको इधर से मतलब एक एक करके दिखाता हूँ। आप ये फर्स्ट देखिए, चार डोर का मतलब ये मतलब वार्डरोब है। वार्डरोब में बीच बीच में हम लोग एक एक दरवाजे को मतलब डार्क कलर दिए हैं ताकि मतलब लुक थोड़ा अच्छा है, वो हिसाब से आप देख सकते हैं। इसको मतलब ये डबल डोर के लिए, डबल डोर में है। अभी डबल डोर के हिसाब से देखिए अपना मतलब 42 इंच का है। 42 इंच के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे एक फिट छोड़ के एक सेल्फ लगाया है। सेल्फ से मैं डिटैचबल है, मतलब इसको कभी उठाना बोल तो हटा के यहाँ पे रख सकते हैं। मतलब यहाँ से मतलब यूज़ करना तो यहाँ यूज़ कर सकते हैं। और ये अपने मतलब कपड़ा हैंगिंग के लिए रॉड लगा दिए हैं, आप यहाँ पे कपड़े हैंगिंग कर सकते हैं। और नीचे का ये 6 इंच का मतलब ये 6 इंच का हाइट का है ड्रावर। ये ड्रावर आप देख सकते हैं पूरा लिमिटेड फिनिश है। ये इधर भी 6 इंच का एक ड्रावर है। ये दो 6-6 इंच के दो ड्रावर आ गए। और नीचे मतलब ये मतलब स्टोरेज के लिए एक सेल्फ आ गया। सेल्फ के नीचे ये भी स्टोरेज के लिए, ये भी स्टोरेज के, दोनों अलग अलग बाग में डिवाइड हो गए। ये भी मतलब डिटैचेबल है, ये भी उठा के मतलब नीचे रख सकते हैं चाहे तो। और मतलब ऐसा यूज़ करना मतलब ऐसे यूज़ कर सकते। और हम लोगों ने इसको मतलब बॉक्स इंजिस पे मतलब मूवमेंट किया है। बॉक्स इंजिस आप देख सकते हैं, ये बॉक्स इंजिस भी सॉफ्ट क्लोज का है। ये देख सकते हैं आप, ये इस तरह से, अब ये इस तरह से छोड़े तो ये ऑटोमेटिक मतलब क्लोज हो जाता। आप सॉफ्ट क्लोज का इंजिस लगाए तो इस तरह मतलब अपने आप छोड़े तो ये बंद हो जाएगा इस तरह से। और बगल वाले में भी सेम है, सेम मतलब सेम सिस्टम है। इसमें भी एक मतलब हैंगिंग के लिए है, ये सेल्फ आ गया नीचे, इसमें स्टोरेज के लिए आ गया 1 फीट के जगह छोड़ के। और ये 6-6 इंच के दो ड्रावर आ गए, नीचे दो मतलब अलग अलग सेक्शन में डिवाइड हो गए मतलब स्टोरेज के लिए। और इसका डेप्थ मतलब 21 इंच रखे हम लोग। और ये पूरे वार्डरोब का डेप्थ हम लोगों ने 2 फीट रखा है। 2 फीट के हिसाब से मतलब दरवाजे के साथ हम लोगों ने इसको डिजाइन दिया है। ऊपर का आप देख सकते हैं, ऊपर का पूरा बॉक्स है। ऊपर का देख सकते हैं आप इस तरह से, ये उससे मतलब हाइड्रोलिक पंप से मतलब मूवमेंट कर रहा, पूरा जितना मतलब दरवाजे पूरा हाइड्रोलिक पंप पे है। तो नीचे मतलब इस तरह से आपको नीचे ऐसा मतलब कर देना है। और ये भी आपको सेम ऐसे ही देख सकते हैं आप इस तरह से, मतलब हाइड्रोलिक पंप पे पूरा मतलब जितना यहाँ से लेके वहाँ तक है हाइड्रोलिक पंप पे। और अंदर मतलब फ्रेमिंग किए मतलब पीएस है, ऊपर बॉक्स नहीं है। इस तरह से मतलब नीचे प्लाईवुड लगा के ऊपर फ्रेम करके मतलब हर तरह से। और ये भी पूरा मतलब सेम है। ये हम लोग स्टोरेज के लिए यहाँ पे एक बॉक्स लगा दिए मतलब स्टडी के लिए मैं ये ओपन बॉक्स है। इसमें कुछ भी नहीं आएगा, ये खाली ओपन रहेगा। आप इसमें कुछ भी मतलब जो दिखने वाला आइटम है वो रख सकते हैं। इसमें 2 सेल्फ दे दिए अलग अलग खाने करके, 2 खाने इसमें भी आप सामान रख सकते हैं। और यहाँ पे स्टडी के लिए ये 2 ड्रावर आ गया, ये 2 ड्रावर है इसमें। और ड्रेसिंग के लिए मतलब ये इसमें ड्रेसिंग भी यूज करते हैं। ड्रेसिंग के लिए पीछे अंदर स्टोरेज के लिए दे दिए, इसमें अलग अलग खाने कर दिए। स्टोरेज के लिए मतलब यूज कर सकते हैं आप इस तरह से। मतलब ये पूरा एक रूम का मतलब पूरा पैकेज है। आप इस तरह से बनाए तो आपको मतलब एक कंफर्टेबल मतलब हर चीज़ आपको लुक वाइज मतलब आएगा। मतलब मैं आशा करता हूँ आपको मतलब ये जो भी मैं दिखाऊँ आपको समझ में आया है और अच्छा भी लगा है। अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।